तो जय श्री राम दोस्तों, अभी हम हैं छोटी छावनी अयोध्या में श्री रामदास छावनी के पास, और यहीं अपन रुक गए थे दो दिन से। और अभी हम लोगों ने पूरा अपना सामान वामान लगेज पैक कर लिया है, इधर भाई लोग हैं, और चलो इधर से अपन निकलेंगे। अभी इधर भाई लोग भी रेडी हो गए हैं, और इधर भैया जी, ये भैया जी यहाँ का देख रेख करते हैं। तो जय श्री राम भैया जी। ओके चलते हैं हम लोग। ओके तो दोस्तों अब चलो चलते हैं, अब यहाँ से अयोध्या से विदा लेते हैं, घूमते फिरते अपन निकल जाएंगे घर की ओर। तो चलिए आगे करते हैं अपन कंटिन्यू। दोस्तों अभी मैंने यहाँ से भोजन कर लिया है, अब चलिए सबसे पहले अपन जाएंगे चूड़ामणि चौक। दोस्तों अभी मैं पकड़ने वाला हूँ चूड़ामणि चौराहा वाला रूट, ये वाला रास्ता है, और इधर वाला है अपना राम जन्मभूमि वाला रास्ता है इधर वाला, और चूड़ामणि चौराहा वाला रूट है इधर वाला। तो अपने को निकलना है अभी चूड़ामणि चौराहा के लिए, तो अपने को इधर से चलना पड़ेगा। तो चलो अपन चलते हैं अभी इधर से धीरे धीरे, यहाँ से लगभग अभी 150-150 किलोमीटर है, तो अपने को चलना पड़ेगा 150 किलोमीटर और फिर अपन पहुँच जाएंगे चूड़ामणि चौराहा पर। दोस्तों यहाँ देखो एक फ्लाईओवर ब्रिज है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है इधर, और इधर एक बंगलो, और इधर एक हॉस्पिटल, और बीच में है अपना फ्लाईओवर ब्रिज, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है बीच में, और इधर एक बंगला और उधर एक बंगला और बीच में फ्लाईओवर ब्रिज। अपन नहीं जा रहे हैं अभी नीचे से इधर से। सबने को मिल गए रास्ते में ये रेलवे मार्ग। दोस्तों मैं अभी सिटी से थोड़ा सा बाहर आ गया हूँ, और इधर लोग मेरे को देखते हैं और पूछते हैं कि मेरे लगेज को देखकर कि भैया आप क्या बेच रहे हो इधर। दोस्तों अभी हम लोग राम जन्मभूमि से लगभग 2-2.5 किलोमीटर चलने के बाद अभी फाइनली अपन पहुँच गए हैं चूड़ामणि चौक। देख सकते हो इधर इधर है चूड़ामणि चौक, जो कि माता सीता जी का चूड़ा यानी कि कंगन को इधर बनाया गया है, माता सीता जी का कंगन बनाया गया है जो कि इस तरह से है। और चलिए आपको इसको नज़दीक से दिखाते हैं, भैया काफ़ी बड़ा है और इसमें कैसा है, चलिए आपको नज़दीक से दिखाते हैं अपन। तो दोस्तों ये है चूड़ामणि चौराहा, जो कि जिसमें माता सीता का चूड़ा यानी कि कंगन बनाया गया है। देख सकते हो कितना बड़ा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। और इस चौराहे का नाम था पहले महोबरा चौराहा, जिसको बदल के यहाँ चूड़ामणि चौराहा रख दिया गया है। और ये अयोध्या जन्मभूमि से लगभग 2.5 किलोमीटर बाहर है, और इधर से अगर आप लोग आएंगे तो ये फर्स्ट में पड़ेगा ये इंटर में, फिर यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर आपको अयोध्या जन्मभूमि मिल जाएगी, और काफ़ी बड़ा है देख सकते हो, पूरा इधर तो दोस्तों चलिए अब यहाँ से अपन चलते हैं फिर से श्री राम जन्मभूमि की ओर। अपन यहाँ सिर्फ इसी का शूट करने के लिए आए थे, चूड़ामणि चौराहे का बस शूट करने आए थे अपन इतना दूर, और फाइनली शूट हो गया। अब चलिए चलते हैं श्री राम जन्मभूमि की ओर, देख सकते हो पूरा। जय जय श्री राम।
दोस्तों अभी अपने को लग भी गए भूख थोड़ी थोड़ी, इधर चल रहा है भंडारा, चलो खा लेते हैं अपन भी, फिर चलेंगे यहाँ से अयोध्या जन्मभूमि श्री राम जी का। गाइस स्टोरेज बार बार फुल हो जा रहा था, मैंने ले लिया है मेमोरी कार्ड 128 GB का और अभी चार्ज कम है, तो कहीं पे देखते हैं अपन जगह जहां अपन चार्ज कर सकें, फिर रुक के थोड़ा सा अपन चार्ज कर लेंगे, फुल होगा फिर देखते हैं, फिर कहीं रुकने का प्लान। अभी शाम भी होने वाली है, देख सकते हो इधर भीड़ भाई साहब कितना। दोस्तों चाय भी पी लिया है यहाँ से और चलो आप कहीं पानी वाली पीते हैं, अभी पानी आज नहीं पिया हूँ भाई, डिहाइड्रेट हो रहा है शरीर अपना।